नमस्कार दोस्तों, लिसन टू योर बॉडी यानी अपने शरीर की बातें सुनो। इस वीडियो में आज हम देखेंगे लीवर। अब तक हमने बाहरी ऑर्गन्स के बारे में, बाहर के जो अवयव है उनके बारे में देखा, अब हम अंदरूनी अवयवों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर कौन सी इमोशंस का, कौन सी भावनाओं का असर होता है और वो फिर किस तरह बीमारी उसके वजह से पैदा हो जाती है। तो लीवर का काम बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर में, जो कि बाइल का प्रोडक्शन करता है। वो हमारे फैट जो होते हैं उनको पूरे बॉडी में, पूरी शरीर में पहुंचाने का काम करता है। एक स्पेसिफिक प्रोटीन का वो निर्माण करता है कि जो हमारे ब्लड प्लाज्मा के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ऐसे लीवर का जब कोई फंक्शन गड़बड़ कर देता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, यानी कि लीवर के फंक्शन में गड़बड़ी हो गई है, तो इसकी वजह क्या होती है दोस्तों? तो बेसिकली लीवर के फंक्शन पे जो इफेक्ट करते हैं वो रीजंस ये है कि एंगर और खुद को कम समझना या बुरा समझना, गुस्सा अंदर बहुत दबाना, उसी तरह खुद को ही गलत है ये मालूम होते हुए भी खुद को ही सही ठहराने की कोशिश करना और खुद को ही फंसाना, मतलब खुद को ही चीट करना, ये सारी जो बातें है ना वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, एंजाइटी क्रिएट करती है और फिर लीवर के हेल्थ पे वो असर करता है। तो जैसे हमने देखा कि हेपेटाइटिस ये एक प्रॉब्लम हो जाता है जब लीवर के फंक्शन में गड़बड़ हो जाती है। तो इसका मेन रीजन ये है कि हम बदलने के लिए तैयार नहीं है, या फिर जो हमें समझ में आया है, जो सही है, हमने जान भी लिया है लेकिन फिर भी हम मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारा डर, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी जलन, जेलसी, ये सारा हम अंदर पाल रहे हैं मन के अंदर, तो वो हमारे लीवर के फंक्शन पे असर करता है और वो हेपेटाइटिस का क्रिएशन फिर उसकी वजह से होता है। दूसरी बात हमने देखी जॉन्डिस, ये भी लीवर का डिसफंक्शन यानी लीवर का काम ठीक ना होने की वजह से जॉन्डिस, यानी जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, वो प्रॉब्लम हमें होता है। इसका भी मेन रीजन ये है कि अंदर और बाहर एक अलग ही संघर्ष चल रहा है मन के हमारे, जहाँ पे जिसकी वजह से एक संघर्ष, इस संघर्ष की वजह से एक इम्बैलेंस यानी असंतुलन क्रिएट हो गया है, तो जॉन्डिस यानी पीलिया का बीमारी हो जाती है। मेन रीजन इसका ये है क्योंकि इसके इस संघर्ष की वजह से कुछ ऐसे सिक्रेशंस हमारे लीवर में शुरू हो जाते हैं कि जिसकी वजह से बाइल ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और फिर वो पीलिया यानी जॉन्डिस में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे रीजंस थे कि क्यों लीवर का फंक्शन हमारे खराब होता है या लीवर के प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर हम इन सारी भावनाओं को, यानी कि एंगर, हेटरेट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, इनको अगर हैंडल कर सकते हैं, इनको अगर कोई ना कोई टेक्निक यूज करके हम हैंडल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो हम लुईस हे के अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल लीवर के अगर बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो उसके लिए लुईस हे अफर्मेशंस बताती है, मेरी जिंदगी में प्यार, शांति और खुशी है, मैं अपना दिल हर बात के लिए खुला रखती हूँ, मैं हर तरफ प्यार को देखती हूँ और हर तरफ इसे पाती हूँ। इन केस हेपेटाइटिस के मामले में अगर आपको स्पेसिफिक अफर्मेशन चाहिए तो ये अफर्मेशन ले सकते हैं कि मेरा मन अब साफ हो चुका है, मैं अपने भूतकाल को छोड़कर आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। अगर जॉन्डिस के लिए स्पेसिफिकली, पीलिया के लिए आपको कोई अफर्मेशन चाहिए तो आप ये अफर्मेशन ले सकते हैं, मैं हर किसी के लिए और अपने लिए प्यार और करुणा महसूस करती हूँ, मेरे दिल में अपने लिए और हर किसी के लिए प्यार और करुणा है। तो दोस्तों ये थे लीवर के फंक्शंस को ठीक रखने के लिए अफर्मेशंस। ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है
तो भी आप इन्हें ले सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अफर्मेशंस को आप सुन सकते हैं रिकॉर्ड करके, या बोल सकते हैं कई बार, या फिर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं इन अफर्मेशंस को लेना, तो आप इन्हें ले सकते हैं। और जिन्हें जरूरत होगी, जिन्हें हेपेटाइटिस या लीवर प्रॉब्लम्स या जॉन्डिस प्रॉब्लम्स है, तो आप उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। आपकी दवाई के साथ ये जल्दी रिकवरी करने के लिए, जल्दी रिकवर होने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। धन्यवाद।